नमस्कार, आज मैं वास्तु विजिट किया है मदन गोपाल जी के यहाँ। मेरठ से पहले शेखपुरी गांव पड़ता है, वहाँ पे आई हूँ। इन्होंने मुझे बुलाया है और इनका काम भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। इनकी जो दुकान है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है, हमेशा इनको एनर्जी बनाए रखती है। ये चाहे जब से काम कर रहे हैं अपने आप को हमेशा, और ये आगे तब तक भी काम करते रहेंगे। ये हमेशा ऐसी एनर्जी और ऊर्जा के साथ भरपूर काम करते रहेंगे। जब ये काम पे आते हैं इनके अंदर पूरी ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के हिसाब से इन्होंने देखिए ये जो है बनाया हुआ है। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 35 साल से। तो आप अब ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और ग्रोथ करें। इनके जो बच्चे हैं बड़े हो गए हैं, तो बच्चे चाहते हैं कि ऑयल मिल लगाने की बात कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से इनका जो शनि जो है तेल का काम है, सरसों के तेल का, तो इनका शनि की जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैंने इनको सलाह दी है कि इनका जो ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट में, इनका जो ये कोलू है जो कोल्ड प्रेस ऑयल बनता है, मस्टर्ड ऑयल, दोनों तरह से जो इनका ऑयल है ये बहुत, इनका जो ये कोलू है ये यहाँ पर ये जिससे तेल निकालते हैं, और तो है इनको तेल निकालने की प्रक्रिया बिल्कुल जो है आप ठंडा यानी कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते हैं, जो आज की तरह तो उसमें नहीं है। अगर आपको भी तेल लेना हो और आप आसपास रहते हैं तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं तेल लेने के लिए। अभी मैं आपको तेल बनाने के प्रोसेस भी दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पे तेल बनता है। ये इनका नॉर्थ वेस्ट एरिया है। नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने वेंटिलेशन दिया हुआ है, यानी कि साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट आ गया। यहाँ से इनको पूरी खुली हवा भी मिलती है, जो यहाँ पे घुटन का एहसास नहीं होने देती। तेल में हमेशा धांस उठती है और तेल की धांस जो है कई बार बीमार भी कर देती है, पर भगवान की कृपा से ये इनका बहुत अच्छा इन्होंने वेंटिलेशन बनाया हुआ है। आप सारा इनका सेटअप देख सकते हैं। इन्होंने जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में तैयार माल रखा हुआ है, जो माल इनका जो बिकने के लिए रख रखा होता है वहाँ पे कर रखा है, और साउथ में इन्होंने मशीनरी लगा रखी है। तो साउथ की मशीनरी जो है इनका जो है ये आटा चक्की भी है, परंतु इनका जो है तेल ज़्यादा बिकता है और आटे का रेगुलर नॉर्मल काम होता है। जो इनके तेल से कमाई होगी वो इनको आगे जाके बरकत होगी। अगर ये चाहे तो अपने तेल की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, आगे चल के ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं, या अपने बच्चों को लगाना चाहते हैं काम पे, बड़ी मिल खोलना चाहते हैं, तो उसमें भी इनको जो है आगे चल के जो इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर्स हैं वो बड़ा सूट कर रहे हैं। और जो बता रहे हैं कि इनकी अगर हम इसमें अगर कुछ भी बदलाव करते हैं, जैसे तेल आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे बेल्ट के साथ में तेल बन रहा है, तो यहाँ पर इनको जो है बहुत ही ये कहते हैं ना कि खुशहाल और एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। एक दो चीज़ें हैं जो हम उसको भी चेक कर लेंगे, जिसकी वजह से इनका आटे का जो फ्लो होना चाहिए, जितना बिकना चाहिए वो क्यों नहीं बिक रहा है, या लोग जो है कम क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न जो है अभी हम इसको अभी चेक करके आपको मैं बताने वाली हूँ। तो जो भी ज़रूरी बदलाव है मैंने इनको बताए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ इनकी दुकान से मैं जा रही हूँ। और इनको मैंने कुछ ऐसे उपाय बताए, जब हम दोबारा फिर आएंगे तो उसके अंदर दिखाऊंगी। इन्होंने देखो ये पशुओं का आहार जो पशुओं को खिलाते हैं वो भी खल जो है ये भी इनका बिकता है तेल निकलने के बाद। तो ये इन्होंने जो है एक अच्छे तरीके से अपना पूरा सेटअप बनाया। आगे चल के इसको एक्सपेंड करते हैं तो इनको आगे चल के भी लाभ मिलने वाला है।